क्या हुआ, यहाँ बैठे हो, खेतों पे नहीं जाओगे क्या? अरे खेतों पे जाकर क्या करूँगा, बिजली हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे इसमें समझने वाली क्या बात है, मुझे तो पता ही है, तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है और तुम्हारे साथ ब्याह करके मेरी किस्मत भी फूट गई है। हाँ, कभी भी तुम्हारी फसल अच्छी ही नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक घर गृहस्थी में क्या कभी तुम कोई मदद कर पाए हो? क्या फसल का एक भी बंडल हमारे घर तक पहुंच पाया है? कभी कुछ नहीं। गांव के सारे किसान हर साल कितनी फसल लेकर आते हैं। अब जाओ, दो तीन दिनों में फिर बारिश हो जाएगी, जाकर कम से कम मिट्टी तो खोदाओ। जा रहा हूँ बिजली, जा रहा हूँ, इतना सुबह सुबह मत सुनाओ। जाओ जाओ, यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। अरे कालू भैया, क्या बात है, अभी कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाऊंगा भाई, जा रहा हूँ खेतों में, थोड़ी खुदाई वगैरह कर दूंगा। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, जो फसल ही नहीं हो रही है। हाय हाय, ये तो बड़ी अजीब बात है, देखो कितना सारा फसल लेकर मैं जा रहा हूँ। इतना सारा सुनहला सुनहला फसल, पता है बड़े आराम से पूरे साल भर हम लोग खुशी खुशी खाते हैं। बारिश के मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, मजा आ जाता है मजा। और तू, तेरी फसल तो हर साल खराब होती है, क्या बात है। अरे थोड़ा सीख। क्या सीखूं भैरव भैया, सारे काम तो मेहनत से ही करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, पर पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे ये तो सुन, अगर ऐसा ही करता रहा ना तो तेरी बीवी छोड़कर भाग जाएगी मायके। अरे उड़ा लो मजाक, तुम लोग सब मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। मजाक उड़ाने से क्या मिलेगा, चलो मैं चलता हूँ। अरे जाओ जाओ भैया जाओ। अरे अभी तो ये जुताई बस इतना ही सकूंगा, अब कल आकर करूंगा, अभी थक गया हूँ, बड़ी मेहनत हो जाती है। थोड़ा हाथ मुंह धो लेता हूँ इस तालाब में। क्या ठंडा ठंडा पानी है, अब मजा आ गया, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे। आ गए तुम? हाँ बिजली आ गया, कुछ खाने को मिलेगा, भूख लगी है बहुत जोरों की। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ आओ खाना खाओ। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है बिजली तुमने। हाँ मैंने तो स्वादिष्ट बनाया है, अब ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि बारिश ना हो, अभी दो दिन और दो तीन दिन बाद बीज लगा लोगे, उसके बाद बारिश होगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अरे हाँ मैं तो ऊपर वाले से यही कह रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाला हमारी सुनेगा तब तो, अब न जाने ऊपर वाला क्या सोच रहा है, मेरी तो पता नहीं, हर साल ऐसी ही स्थिति होती है।
अरे बिजली, ये देखो घर के अंदर पानी आ रहा है। ये टप टप पानी कहाँ से चू रहा है? ये देखो ऊपर वाले, तुम्हें हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं आती है। ये देखो तुमने बारिश करवा दिया, अब क्या होगा? अब तो खेत में फसल भी नहीं लगेगी। अरे बिजली, पहले यहाँ पानी का इंतजाम करो, घर पूरा पानी पानी हो रहा है। अभी मैं बर्तन लाकर रखती हूँ, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। इस साल तो बहुत बुरा हाल रहा, अब क्या होगा? पिछले साल थोड़ा बहुत कुछ कुछ जमा करके रखा था, जो इस साल खत्म हो गए। अब हमारा क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बिजली डरो मत, कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा हमारे साथ। इतना बुरा नहीं हो सकता है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। पता नहीं, मुझे तो लगता है अच्छे लोगों के साथ ही बुरा ज्यादा होता है। बिजली, मैं जरा आता हूँ खेतों की तरफ से। अब खेतों की तरफ जाकर क्या करोगे? अरे आने दो, देखता हूँ क्या होता है उधर। अरे देख देख, कालू आ रहा है। कालू, थोड़ा सा उसका मजाक बनाते हैं। उसकी किस्मत ऐसी फटी हुई है कि इस बार भी खेत की जुताई करते ही बारिश आ गई। हाँ हाँ भैया, थोड़ा खिंचाई करते हैं, बुलाओ तो उसे। ओ भाई कालू, कालू कालू, आओ भाई। क्या बात है भैरव भैया? अरे आओ आओ, एक कप चाय पी लो। हम मैं खर्चा करूँगा, तुम डरना मत, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। अरे हम सारे किसान हैं, हमारे पास तो बहुत सारी फसल है, हमारी बीबियाँ सुरक्षित हैं, कोई भी हमें छोड़कर नहीं जाने वाली है। तेरा तो कुछ पता नहीं है, क्या होगा आगे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो भाई, तुम लोग मुझे मजाक उड़ाने के लिए यहाँ बिठा रहे हो, तो ऐसा मत करो, एक दिन मेरा भी आएगा। मुझे इतना ज्यादा अपमानित ना करो, एक दिन देखना तुम्हें भी दिखेगा मैं दुनिया में यूं ही नहीं आ गया हूँ। अरे रे रे अकालू भैया, बात को दिल पे मत लो। दिल पे क्यों ले लेते हो? अरे थोड़ा हम लोग हंसी मजाक करते हैं, गांव के हो, कहाँ जाएंगे हंसी मजाक करने के लिए, इसीलिए हंसी मजाक हो जाती है। भाई देखो, हंसी मजाक तभी तक हंसी मजाक होती है जब तक किसी को दुखी नहीं करते हो। अब तुम लोगों ने मुझे दुखी करना शुरू कर दिया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे घर में राशन नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हर साल मेरी फसल खराब हो रही है? तुम्हें क्या पता नहीं है कि मेरे घर का चूल्हा इस साल कैसे जलेगा, ये कि समझ में नहीं आ रहा है? फिर भी तुम लोग मजाक बना रहे हो। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे भैया पता तो सब है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, गांव में महामूर्ख यही है एक। बाकी सारे व्यापारियों को व्यापार होता है, किसानों को फायदा होता है, सब फसल अपने घर ले जाते हैं, और ये इसकी फूटी किस्मत। अरे इसकी फूटी किस्मत तो तभी से शुरू हो गई थी जब ये पैदा हुआ था। मैं तो सोचता हूँ बिजली भाभी के बारे में, न जाने बिचारी का भाग लेकर आई है जो इसके पल्ले बंध गई। ये जब पैदा हुआ इसकी माँ चल बसी, कुछ सालों बाद बाप चल बसा। बताओ भाई, लीजिए लीजिए, आप लोग चाय पीजिए, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अरे कहाँ जा रहा है गुस्से में तमतमाया हुआ लाल चेहरा लेकर, क्या हो गया? अरे अम्मा,
तुम कौन हो? इस गांव में तो तुम्हें पहली बार देखा। अरे मेरी छोड़, मैं कौन हूँ? तू बता, क्यों तू गुस्से में दिख रहा है? अम्मा, मेरी फूटी किस्मत, क्या करूं? अब तो कभी कभी मन करता है कि जिंदा ही ना रहूं। इतनी समस्या, क्या पिछले साल, उसके पिछले साल। अरे साहब साहब बताएगा। अम्मा, मैं फसल लगाता हूँ, खेती करता हूँ, लेकिन कभी भी मेरी खेती सफल नहीं होती। हर साल फसल बर्बाद हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। अम्मा, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, अब घर कैसे चलाऊँ? कल परसों मैंने हल से जुताई की थी और आज बारिश हो गई। बताओ कब मैं बीज लगाऊंगा? अभी तो मेरे बीज सड़ जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, तू हार मत मान, तू हमेशा कोशिश करता रह, तू जा, आगे बढ़, जाके अपना खेत देखा। क्या देखूंगा अम्मा, अब तो मुझे समझ में आ गया, खेत में भी कुछ न कुछ अजीब ही होगा। अरे बेटा, तू परेशान मत हो, जा तो सही। अरे ये क्या, मैंने तो अभी जुताई ही की थी, मेरे खेत में इतनी अच्छी फसल, ये कैसे हो सकता है? जरूर बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है, ये तो हो ही नहीं सकता। बिजली बिजली, वो देखो क्या हो गया। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बिजली, देखो तो सही, मेरे हाथों में ये सुनहली फसल है, हमारे खेत में पूरा का पूरा फसल भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है, तुमने तो कल ही जुताई की थी, आज फसल कैसे आ गई? अरे मुझे लगता है बूढ़ी अम्मा की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कौन बूढ़ी अम्मा? अरे ये तो पूरा का पूरा बूढ़ी अम्मा की वजह से लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमारे पास भी फसल हो गई। अब गांव में सिर्फ हम भूखे नहीं रहेंगे, अब हम भी सब किसानों की तरह अच्छी फसल वाले होंगे। जाओ अब फसल कटाई का इंतजाम करो। अरे कालू, ये क्या, इतनी सारी फसल कहाँ से लाए? भाई अपने खेतों से लेकर आया हूँ, कहीं किसी से चुरा कर नहीं लाया हूँ। अरे लेकिन तेरे खेत तो बर्बाद हो चुके थे ना? अरे तुम्हारी फसल कहाँ से? बस आ गई फसल, अब वैसे ही जैसे गई थी। क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा समझने से बहुत दिक्कत होती है, ज्यादा मत समझो। बहुत दिनों बाद ऊपर वाले ने हम पर दया दृष्टि दिखाई, आज कम से कम हम पैसे देख पा रहे हैं, मुझे तो बड़ा डर लग रहा था। अरे बिजली, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है, इसलिए परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा होगा। अब कालू और बिजली बहुत खुशी थे और अब उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अरे कालू भैया, क्या कर रहे हो? बीजों की बुआई कर रहा हूँ भैरव, सोच रहा हूँ इस बार कद्दू के बीज लगा दूँ। हाँ भाई, इस बार तो फसलों के लिए
पानी चाहिए, सिंचाई चाहिए, तू किसी से मदद क्यों नहीं ले लेता? अरे भाई, गांव में कोई किसी की मदद करता है क्या? सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, इसलिए अब यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है। कद्दू के बीज लगा रहा हूँ, खुद से पानी दे दूंगा। हाँ भाई, चलो फिर चलता हूँ मैं, देखो जैसा कर सको तुम। ज्ञान दे दे तो सब चले आते हैं, मदद करने के लिए कोई नहीं आता है। बड़ा आया मुझे बताने वाला, ज्ञान दे रहा है मुझे ज्ञान। खुद सिंचाई करवाया था मैंने, पानी मांगा था उस वक्त तो ना कह दिया था, अभी आया है मुझे ज्ञान देने के लिए। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है और इस गर्मी में बार बार जाकर पानी लाना और देना कितना मुश्किल हो रहा है, फिर भी चलो लाना तो होगा ना। थोड़ा आराम कर लेता हूँ वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम बढ़िया वाली हवा है, यही आराम करता हूँ। अरे रे रे कालू, क्या कर रहा है कलमू है? अरे मौसी, बहुत गर्मी लग रही थी तो थोड़ा आराम कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। अरे रे, सुना है तूने कद्दू के बीज लगाए हैं? हाँ मौसी, ठीक ही सुना है, क्या करता, इस बार हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है, सोच रहा हूँ ये बीज लगा देता हूँ, शायद फसल तैयार हो जाए तो मदद मिल जाए। हाँ ठीक ही करा, धान की फसल में तो खूब पानी चाहिए और तेरे पास तो सिंचाई के साधन भी नहीं है, ऐसे में मुश्किलें ज्यादा है। हाँ मौसी, बाल्टी बाल्टी से पानी भर देता हूँ, सोचता हूँ इसी से चीजें ठीक हो जाए। हाँ हाँ बेटा, हो जाएगी, परेशान मत हो, सब अच्छा रहेगा। जी खाना खाओ। हाँ बिजली, दो खाना, भूख लगी थी बहुत जोरों की। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम बहुत थके हुए होगे, मैं जरा आती हूँ तालाब के पास से। अच्छा ठीक है। कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ठीक है बिजली, जाओ। कर रही हो बिजली दी? हाँ इतने सारे कपड़े धो रही हो, तुम्हारी तो फसल इस बार बर्बाद होने वाली है। अरे गौरी, तुझे ये किसने कह दिया कि मेरी फसल बर्बाद होने वाली है? देखना ना दीदी, ऐसा ही होने वाला है। तुम लोग मेरा मजाक अक्सर बनाते रहते हो, ऐसा हम लोगों ने क्या किया है? गांव में अछूत की तरह करते हो। अरे नहीं नहीं दीदी, अब मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मैं खूब समझती हूँ। अरे अभी तक बिजली नहीं आई है, बोल कर गई तालाब जा रही हूँ, क्या हो गया, आई क्यों नहीं? अरे बिजली, क्या हो गया,
यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, ये गांव वाले हमेशा हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? बताओ। अरे बिजली, क्या हो गया? गौरी आई थी, मुझे जला कटा सुना कर गई है। और तुम ये सब कुछ सुनकर दुखी हो रही हो? यही ना, चलो चुपचाप घर चलो। ऊपर वाले ने जिसके किस्मत में जो लिखा है वही होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचो मत। बताओ, रात भर वहीं रहती क्या? और रात में मुझे भूखा मारना था क्या? नहीं नहीं, बना रही हूँ खाना। आ जल्दी बनाओ, सोऊंगा। बिजली, मैं जरा खेतों में जा रहा हूँ, तुम यहाँ देखना। मैं खाना लेकर आऊंगी क्या? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। रे, वाह वाह कालू, तू बेटा बहुत मेहनती है, तेरे ये पौधे बड़े हो गए। मैंने सोचा था कलमुहा, तेरा ये पौधा बड़ा होगा भी कि नहीं। बाल्टी बाल्टी से पानी लाकर देना कोई आसान काम है क्या? अरे मौसी, यहाँ तक तो मैं ले आया हूँ, लेकिन अब फल बढ़ने के लिए कम से कम बारिश तो चाहिए। अरे बेटा, जब तूने इतना मेहनत किया है तो ऊपर वाला तेरी मदद जरूर करेगा, तू परेशान मत हो। हाँ मौसी, यही सोच रहा हूँ। और फिर मीनू मौसी वहाँ से निकल जाती है। कालू कौवा घर आता है। अरे वाह, मीनू मौसी ने कहा और बारिश भी शुरू हो गई। इसे कहते हैं बहुत अच्छी बात है, दुआ काम आई मौसी की। हाँ जी, चलो तुम्हारे लिए पकौड़े बना देती हूँ, तुम आज बहुत खुश हो। हाँ हाँ बिजली, थोड़े पकौड़े बनाओ, खाऊंगा। वाह वाह वाह, तुम्हारे हाथ के पकौड़ों में तो स्वाद है बिजली, स्वाद। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी फसल हुई है तुम्हारी। हाँ मौसी, ये एक कद्दू ले जाओ तुम घर में खाना। अरे रे, तू अपनी फसल जाकर बेच, मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, तू सुखी रह, अच्छे से रह। मौसी, मैंने बुलाया है व्यापारी को, अभी आता होगा बैलगाड़ी लेकर, उसी से बात करूँगा। अरे रे रे, मैं तो तुम्हें उसी के बारे में बताने आई थी, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, वो वापस लौट गया है, वो नहीं लेगा तुम्हारी कद्दू की फसल। अरे मौसी, तो फिर मैं क्या करूं? तू चला जा गुन्नू कबूतर के पास, अपनी टोकरी में भर कर ले जा और वहाँ पर बेच दे, गुन्नू भी आजकल सब्जियों का व्यापार करता है। हाँ मौसी, यही करूँगा। देखो भैया, इस बार ना सब्जियों के मार्केट में कद्दू का दाम बहुत कम है, तुम्हें मैं बहुत ज्यादा कीमत नहीं दे पाऊंगा। अब तुम बताओ, अब बेचोगे तो खरीदूंगा, और नहीं बेचोगे तो नहीं खरीदूंगा। अरे भैया, बड़ी मुश्किल से तो फसल लगाई है, इतनी मेहनत करी तब ये कुछ कद्दू उगे हैं, ऐसे मत बोलो भाई। जो सच है वो बता दिया, अब तुम्हारी जो मर्जी है वो बता दो। अच्छा ठीक है, ये लो इस टोकरी के कितने दोगे? अब मात्र 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए बहुत कम है भैया। नहीं नहीं, मैं 100 ही दूंगा। अच्छा लो।
हमारी किस्मत फूटी की फूटी रहेगी। इतना मेहनत करने के बाद भी उस तरीके से दाम नहीं मिल रहा, समझ रही हो? क्या हुआ, बताओगे भी? अरे मेरे कद्दू का कोई मोल भाव नहीं लग रहा है, यही समस्या है। अच्छा, परेशान मत हो, तुम्हारे कद्दू के दाम नहीं मिल रहे तो क्या हुए, मैं कद्दू के पकौड़े तल देती हूँ, तुम कद्दू के पकौड़े बेचो। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे एक बार कोशिश तो करो, सबसे पहले दाम कम रखना। अच्छा तुम छाको, देखता हूँ मैं। आ रहा हूँ बिजली। दाम कम रखना। अरे तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, उतना मैं समझता हूँ, दाम कम ही रखूँगा। पकौड़े ले लो पकौड़े, स्वादिष्ट कद्दू के ताजे ताजे पकौड़े। अरे क्या मजेदार पकौड़े हैं भाई, अब मुझे भी थोड़ा दे दे। हाँ भैया ले लो। बिजली तुम्हारा ट्रिक तो काम कर गया, सारे के सारे पकौड़े बिक गए। बिजली तुम ऐसा करो, और भी पकौड़े तल दो। अभी लो, अभी तल देती हूँ। अरे बिजली देखो, हमारा मुनाफा बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। हाँ जी, हमारी मेहनत रंग लाई। अरे तुम्हारा दिमाग रंग लाया, मैं तो उदास हो गया था, मुझे तो लगा था कि हमारी पूरी फसल ही बर्बाद हो गई, हम बर्बाद हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरे चलो, कुछ तो अच्छा हुआ ना, हम दोनों के लिए ही अच्छा है। हाँ बिजली, मैं तो सोचता हूँ ना अगली बार भी कद्दू की फसल लगाता हूँ। जरा देखो, मैंने देखा कद्दू की फसल कद्दू बेचने से ज्यादा पकौड़ों में फायदा देता है, और अपने खेत के कद्दू हो तो कम मुनाफा नहीं होता, बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, मैं जरा गौरी को पकौड़े देकर आती हूँ। हाँ हाँ, उसे तो एक टोकरी पकौड़े ले जाकर दे दो। हाँ जा रही हूँ। गौरी, ओ गौरी बहन, कहाँ है तू, बाहर आ जरा। अरे बिजली दीदी, हाँ हाँ ये ले, तू और तेरे पति के लिए एक टोकरी कद्दू के पकौड़े है, अच्छे से खाना। अरे दीदी तुम मुझे ताने का जवाब दे रही हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ ताने, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। दीदी मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा लिया था, मैं घमंड में आ गई थी। देख इस तरह के घमंड करना अच्छी बात नहीं है, दिन हमेशा बदलता है लोगों का, देख मेरा भी दिन बदला ना। हाँ दीदी मुझे माफ कर दो। और कालू बिजली के पास ढेर सारे पैसे होने लगे थे।